रामपुर के बिलासपुर में भाजपा मंत्री बलदेव सिंह औलख की विधानसभा में बिजली की कटौती व समस्याओं को लेकर आक्रोशित किसानों ने अशोकनगर बिजली घर का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया और एसडीओ सहित जेई के तबादले की मांग की। उनका आरोप है कि एसडीओ और जेई मिलकर ग्रीन पार्क को बिजली 24 घंटे से 22 घंटे दे रहे हैं, जबकि अन्य इलाकों की बिजली की कटौती की जा रही है। वहीं किसानों ने आज बिजली घर का घेराव कर कड़ी चेतावनी दी है, अगर विद्युत विभाग के अधिकारी नहीं सुधरे तो जल्द आपके तबादले की कार्यवाही होगी। हमारा जो हम यहाँ पे आज आए हैं, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। भेदभाव इस तरीके का हो रहा है, जैसे यहाँ पे फीडर हैं, 4-5 फीडर हैं, रामपुरा फीडर है, शिवनगर फीडर है, मंगतपुर है, भरतपुर फीडर है और ग्रीन पार्क फीडर है। इसमें इन्होंने क्या काम किया है, ग्रीन पार्क की 24 घंटे लाइट दे रखी है। कह रहे हैं कि उनका जो शेड्यूल है ऊपर से आया है, 24 घंटे का आया है, और जो हमारी घरेलू लाइट है गांव की वो 18 घंटे की है, और जो ट्यूबवेल की लाइट है वो है 10 घंटे की। 10 घंटे वाली जो लाइट है वो हमें मिल रही है 2 घंटे, और जो हमारी गांव की मेट्रो लाइट है वो हमें मिल रही है 6-7 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे इस तरीके की, और जो ग्रीन पार्क की लाइट है वो पूरी 24 घंटे मिल रही है उनको। हम पिछले एक महीने से देख रहे हैं जो बिजली सिस्टम है इतना भ्रष्ट हो गया है, 2-2, 3-3 घंटे 24 घंटे में बिजली आ रही है। किसानों की फसलें, धान सूख रहे हैं, गन्ने सूख रहे हैं बिल्कुल ही, और हमारे फीटर में कम आ रही है बिजली, और बाकी फीटर है जो ग्रीन पार्क है, जो खाता में एक बिजली घर है उसमें भी 18 घंटे पूरी दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ जो हमारा चीनी मिल वाला है ये बदतमीजी करते हैं। एसडीओ साहब को भी हमने आज कहा था, अशोकनगर बिजली घर के जो एसडीएम, जो एसडीओ साहब बैठते हैं यहाँ पे, उनको भी रात को हमने कहा था कि आप यहाँ पे सुबह मिलना, मीटिंग है, किसानों से आप मीटिंग करिए, और जेई साहब को कहा था, लेकिन अब हम फ़ोन कर रहे हैं तो वो हमारा फ़ोन पिक नहीं कर रहे हैं। जेई साहब और एसडीओ साहब कह रहे हैं कि हम मीटिंग में जा रहे हैं कहीं बाहर, लेकिन इन्होंने रात हमें कहा था कि सुबह आना, हम आपसे बात करते हैं, लेकिन हमारी फसलें ख़राब हो रही हैं, हमें बिजली के लिए हम यहाँ बैठे हैं, आज सभी किसान भाई बैठे हैं।